गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एमी एट वर्क। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ मिनिएचर क्ले थिंग्स जो बनने के बाद काफी ज्यादा क्यूट लग रही हैं इन माय ओपिनियन एटलीस्ट। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या बनाया है और कैसे बनाया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट एंड होम डिकोर के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज चेक आउट माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय रेगुलर अपडेट्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये फेविक्रिल मोल्डेड एंड मैं इसे अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं बना रही हूँ एक क्यूट सी एविल आई वॉल हैंगिंग। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। द फर्स्ट इज़ एन आई शेप, द सेकेंड इज़ अ सर्कल शेप एंड द थर्ड वन इज़ अ हमजा हैंड। आई गेस दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो ये हमजा हैंड बनाने के बाद मैंने इसे कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने दिया क्योंकि मुझे इसमें मिरर्स एम्बेड करने थे। मैंने इसके एयर ड्राई होने से पहले ही इस पर पेंट कर दिया एंड उसके बाद मैंने इस मिरर्स को इसमें एम्बेड कर दिया ताकि मुझे पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े इन पर। और उसके बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो मैंने इस पर ये आई पेंट कर दी। देन आई पेंटेड एन इविल आई डिज़ाइन ऑन दिस सर्कल। एंड उसके बाद मैं ये आई शेप पर भी एक आई पेंट कर दूंगी। तो बेसिकली मैं तीनों पर ही आंख बना चुकी हूँ। इसे असेंबल करने के लिए मेरे पास ये थिक थ्रेड पड़ा हुआ था तो मैं इसी से ही इसको असेंबल करने वाली हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर यार्न थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके नीचे हैंग करने के लिए मैंने ये फेदर का यूज़ किया है, आप इसकी जगह टेसल का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पर मैं क्ले से कुछ छोटे छोटे डोनट्स, केक एंड कुछ कुकीज़ बनाऊंगी एक क्यूट से छोटे से जार के कैप के ऊपर लगाने के लिए। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी स्वीट्स या फ्रूट्स बना सकते हो एज यू लाइक गाइस। पर्सनली मुझे कुकीज़, डोनट्स, केक्स बहुत पसंद हैं इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो इन्हें बनाने के बाद मैं इसे इस कैप पर पेस्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं इन्हें कर दूँगी पेंट और इन पर मैं दूँगी छोटी छोटी डिटेलिंग्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं गाइस वो है बहुत ही ज्यादा एक छोटू सा क्यूट सा पेंगुइन। इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटू सा स्टोन लिया है एंड उस पर मैंने क्ले की हेल्प से पेंगुइन के फिन्स, पैर और बीक बना दी है। फिर मैंने उसको जस्ट पेंट कर दिया है एंड गाइस इट्स लुकिंग सो डैम क्यूट।
ओके गाइस, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये क्यूट सा पैलेट की चेन, जिसे बनाने के लिए मैंने क्ले को मोल्ड किया है एक पैलेट की शेप में, एंड उसके बाद मैंने इस पर बना दिया है अपना ये छोटू सा पेंट ब्रश। और इसके ड्राई हो जाने के बाद मैं इस पर कर दूंगी पेंट, पेंट अपने फेवरेट कलर से। एंड गाइस, जब ये ड्राई नहीं हुआ था तो मैंने इसमें कंपास की हेल्प से होल कर लिया था ताकि इसमें हम अपना कीचेन डाल सकें, तो गाइस आप इस बात का ध्यान रखना। गाइज, यहाँ पर हमारी क्यूट मिनिएचर थिंग्स बनकर रेडी हैं, एंड दे आर सो क्यूट, एंड माई पर्सनल फेवरेट इज दिस पेंगुइन, जिसका नाम मैंने पिंगू रखा है। एंड गाइज, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपका फेवरेट कौन सा था, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।